भारत सरकार की नीति आयोग द्वारा व मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों व राशन दुकानों से अंडा व मांस विक्रय के प्रस्ताव के विरोध में आज मुंगावली जैन समाज व महिला महासमिति, विश्व हिंदू परिषद व अन्य समाज के शाकाहारी लोगों द्वारा एक मौन जुलूस निकालकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। मौन जुलूस राम मंच से शुरू होकर बस स्टैंड से थाने पहुंचा, जहां सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष व बच्चे शामिल हुए। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों पर सरकार ने कुपोषित बच्चों के लिए अंडा देने का प्रस्ताव पास किया। इसका सभी शाकाहारी लोग पुरजोर विरोध करते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए फल भी पौष्टिक है, उनको सरकार को आंगनवाड़ी केंद्रों से बंटवाना चाहिए। तो ये अपने यहाँ खुलना भी नहीं, अपने यहाँ नहीं हर जगह खुलना नहीं चाहिए। महिलाएं कहाँ तक सुरक्षित रहेंगी? वैसे भी अभी असुरक्षित है महिलाएं। और यदि राजस्व विभाग में पैसे की, सरकार ने ऐसा बोला गया है कि राजस्व विभाग में पैसे की कमी आ गई है, तो पैसे की कमी के लिए क्या वो अपनी माँ को भी बेच देंगे? इसलिए सर आपकी दुकानें भी बंद होना चाहिए। और अंडा, मांस, मच्छी, चिकन, मांसाहारी सामग्री हटाने PDS से ये भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी की है कि इनके लिए हटाना चाहिए। आंगनबाड़ी में यदि उनने बोला है कि जो कुपोषण बच्चे हैं उनके लिए मांस रखवाया जा रहा है, अंडे वितरित करवाए जा रहे हैं, तो उसके लिए और भी जैसे फल भी कर सकते हैं, सब्जियों से भी ये चीज़ें हो सकती है, हरी ड्राई फ्रूट्स भी हो सकते हैं, इससे भी मांस कुपोषण, बच्चों का कुपोषण दूर किया जा सकता है। भारत एक देश ऐसा रहा है केवल उसने ही मांसाहार को प्रधानता नहीं दी है, और ये जो शराब की दुकानें दी जा रही हैं, तो एक तरफ तो सरकार ये कहता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, और दूसरी ओर ये शराब की दुकानें खुलवा के अंडा, मांस, मछली आदि सभी हिंदू सनातन धर्म वालों से ये कार्य करवा के क्या उनके लिए नीचे गिराना चाहती है सरकार? का हमारे लिए ये उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा है। अगर सरकार की यही नीतियां रही तो हमारा भारतवर्ष भारत नहीं रहेगा, ये हमेशा के लिए एक दिवस के लिए गारत बन जाएगा। दबंग न्यूज के लिए मुंगावली से भारतेंदु सिंह बैस की रिपोर्ट।